सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मीशो के बैग्स के बारे में। तो मैंने 8 बैग्स खरीदे हैं मीशो से, जिसमें कि आपको हैंड बैग्स भी मिल जाएंगे, स्लिंग बैग भी मिल जाएंगे, और स्कूल बैग भी मिल जाएगा, शोल्डर बैग्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस छोटू से बैग से। आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा प्रिटी है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, फ्रूट्स की शेप्स भी गिवन है इसके अंदर। एंड इसमें एक पॉम पॉम बॉल अटैच आता है जो कि चेन से अटैच्ड है। इसमें एक कंपार्टमेंट गिवन है जिसके अंदर भी कुछ कंपार्टमेंट्स हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करते ही हमें देखने को मिलता है ये 1, 2 एंड इसको निकाल देते हैं 3 एंड 4 एंड 5। तो इसके अंदर 4 मिनी कंपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे आप अपने कार्ड्स वगैरह रख सकते हो। एंड यहाँ पे एक छोटा सा कॉइन के लिए भी कंपार्टमेंट दे रखा है। सो यहाँ पे आप कॉइन्स रख सकते हो अपने। इसके अंदर आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स तो नहीं आएंगे, सो ये मनी वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। कार्ड्स वगैरह रख सकते हो आप इसमें। 1 कंपार्टमेंट है। बैक लुक ऐसा है, फ्रंट लुक ऐसा है। तो अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत पसंद आई है। एंड कलर भी अच्छा है, लुक भी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। सो यू कैन गिव अ ट्राई टू दिस। आप इसको खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। मैंने ये बाय किया था 150 रुपीज़ में। तो आप देखो, अगर आपको पसंद है तो आप भी बाय कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो बैग है वो है हमारा ये रेड कलर का बैग। मैंने इसको इसके टेक्सचर की वजह से बाय किया था, उसके कलर की वजह से बाय किया था। इसमें ये पॉम्पम वॉल भी गिवन है। एंड ये थोड़ा चीप लुक दे रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं इसको निकाल दूँगी यहाँ से। और ये पॉम्पम वॉल अटैच करी गई है इस चेन से। सो इसमें भी एक कंपार्टमेंट है, आप देख सकते हो आगे पीछे। चलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। तो मैंने इसे ओपन कराया तो इसके अंदर कुछ पॉलिथीन वगैरह मैं निकाल देती हूँ। तो पॉलिथीन मैंने निकाल दी है। अगर मैं इसके अंदर के कपड़े की क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी एवरेज, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है। और इसके अंदर भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट गिवन है, तो यह कंपार्टमेंट देख सकते हो। इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई है इसकी क्वालिटी। एंड ये इतना ही ओपन होगा, इससे ज़्यादा ओपन नहीं हो सकता है। इसके अंदर भी आपका थोड़ा बहुत मनी, कार्ड, कैश, ये सब आ जाएगा। तो अगर मैं इसको रेटिंग दूँ 10 में से, तो मैं इसको रेटिंग दूँगी जस्ट बिकॉज ऑफ कलर एंड लुक टेक्स्चर, आई विल गिव इट 7 out of 10। अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने ये 199 में बाय किया था। द कॉस्ट इज़ ₹199। आप चाहो तो बाय कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स इसमें से आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे, तो मैं सिमिलर प्रोडक्ट्स को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी विद लिंक, तो आप चेक कर सकते हो। आई बॉट ऑल ऑफ दिस फ्रॉम मीशो। सो कलर एंड टेक्सचर आर गुड, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी दैन इट इज़ नॉट दैट मच गुड, इट्स एवरेज। सो इफ यू वॉन्ट यू कैन गिव अ ट्राई टू इट। तो नेक्स्ट जो बैग है वो है हमारा ये। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी, तो ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें भी एक पॉम पॉम बॉल अटैच्ड है चेन से, एंड एक ये भी दे रखा है। दिस इज़ द बैक लुक, पीछे से ऐसा दिखता है, आगे से इसका लुक ऐसा है। इट्स अ प्योर ब्लैक कलर, थ्रेड से इस पर स्टिचिंग वगैरह कर रखी है, डिज़ाइन बना रखी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। और इसमें 2 कंपार्टमेंट्स के बिना 1 and 2। तो चलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। सो मैंने ये पहला कंपार्टमेंट ओपन किया है। इसकी क्वालिटी, इसका टेक्सचर, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी नाइस। आप इसका चेक कर सकते हो। लुक एट दिस, इसमें यहाँ पे भी एक कॉइन वगैरह के लिए आपको कंपार्टमेंट दे रखा है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट है छोटा सा, यहाँ पे भी है, ये रहा एक, एंड एक ये है। तो बीच में ये स्टिच्ड है, अगर आपको दिख रहा है तो ये बीच में यहाँ पे स्टिच्ड है, पहला वाला कंपार्टमेंट स्टिच नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, सेम इस तरह से यहाँ पे दे रखा है। तो ये स्टिच नहीं है, बाकी ये और ये स्टिच हैं, बीच में आपको ये लाइन दिख रही होगी। सो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अब मैं इसके दूसरे कंपार्टमेंट की बात करती हूँ। तो अगर इसका मैं दूसरा कंपार्टमेंट ओपन करती हूँ, तो ये प्लेन कंपार्टमेंट है। इसमें आपका फ़ोन वगैरह ईजिली आ जाएगा, सो आप इसमें अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर ये अंदर का मटेरियल चढ़ा रखा है। अंदर से ये बेबी पिंक कलर का है। तो क्वालिटी, कलर, टेक्सचर, एवरीथिंग इज़ सो नाइस। आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। आप इसको बाय कर सकते हो। मेरी तरफ से इसमें 10 out of 10 है इसके लिए। ये बहुत क्लासी लुक देता है। जब इसको आप बाय करोगे ना और लेके जाओगे बाहर, तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्लासी लुक देगा।
तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, मेरी तरफ से थम्स अप है इसके। नेक्स्ट जो बैग है वो है ये स्लिंग बैग है, ये मैंने इसे ब्राउन कलर में बाय किया था। आगे इसमें भी पम्प बॉल अटैच है एंड इसमें टिक टैक वाला सिस्टम गिवन है। आप इसको यहाँ से अटैच कर सकते हो एंड ओपन कर लिया मैंने यहाँ से। इस बैग की भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आगे इसमें एक कंपार्टमेंट गिवन है, आप देख सकते हो। एंड ये चीज़, इसका ये लुक मुझे बहुत पसंद आया। और इसमें एक कंपार्टमेंट गिवन है सिर्फ। सो लेट मी ओपन दिस। तो सो इसकी, इसको कैरी करने के लिए इसमें चेन गिवन है। चेन की क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी गुड है। आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो इस चेन को, ठीक है। यहाँ पे हुक गिवन है, आप इसको निकाल भी सकते हो अगर आप ना चाहो चेन के साथ इसे कैरी करना, तो आप इस चेन को निकाल भी सकते हो। एंड अंदर से बात करें तो अंदर से कुछ ऐसा लुक है इस बैग का। क्वालिटी बहुत अच्छी है अंदर से, सॉफ्ट मटेरियल है काफ़ी इसका, तो अगर आप चाहो तो इसे भी बाय कर सकते हो। क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बैग की। बैग का लुक ये है इसका, साइड लुक, बॉटम लुक एंड ये इसका फ्रंट लुक है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसको भी मैं 10 में से 10 दूंगी बिकॉज इसका भी कलर, टेक्सचर, डिज़ाइन, क्वालिटी सब अच्छी है। सो मेरी तरफ से इसके लिए भी थम्स अप है, आप ट्राई कर सकते हो इसको। अगला जो बैग है वो है हमारा स्लिंग बैग, अगेन स्लिंग बैग ब्लैक कलर का। ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है तो मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद है बाय करना। तो इसमें भी ये टिक टैक वाला सिस्टम गिवन है, आप देख सकते हो। तो इसका अंदर से लुक कुछ ऐसा है, मैं पेपर्स को निकाल देती हूँ। कितने पेपर्स भर के दिए मीशो वाले, ठीक है। सो अंदर से कुछ ऐसा है, बीच में एक चेन गिवन है। इसका ये जो ये ऊपर का पार्ट है ये बहुत हार्ड है, लाइक इसको अगर सीधा भी करो तो ऐसे मुड़ जाता है। तो अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है क्वालिटी तो आप इसको बाय मत करना, क्योंकि ये ऊपर का बहुत हार्ड है। इसको आप सीधा भी करोगे तो ये अपने आप ऐसे करके मुड़ जाएगा, देख कर बाय करना। तो अंदर इसमें एक चेन गिवन है, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो मैंने ये चेन ओपन करी है, आप देख सकते हो अंदर एक चेन है। अगर मैं इस बैग के अंदर के कपड़े की क्वालिटी की बात करूँ तो एवरेज है। एंड इसमें एक चेन गिवन है, ठीक है, जो कि आधी तो बैग वाला मटेरियल है एंड थोड़ा सा इसमें चेन का मटेरियल अटैच है। अच्छा, आप इसको निकाल नहीं सकते हैं, ये इसी से अटैच रहेगी, आप इसको निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी है एंड फ्रंट लुक इसका कुछ ऐसा है, ब्लैक कलर है, बहुत सुंदर लगता है। एंड इस पर जो डिज़ाइन बन रही है ये भी बहुत सुंदर है। बैक लुक भी ऐसा है इसका, ये बैक लुक है इसका। मुझे इसका ये टेक्सचर, ये थ्रेड वर्क इसका बहुत पसंद आया है। बैक लुक ऐसा था, साइड से ये लुक ऐसा है, ये इतना 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 ही चौड़ सकता है। अगर मैं इसको रेटिंग दूंगी तो मैं दूंगी इसे 10 में से 8 बिकॉज मुझे इस बैग में इसका ये वाला पार्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि इसको ओपन करो तो क्लियरली ओपन नहीं होता है, ओपन करने के बाद ही अपने आप ही मुड़ जाता है। इसमें मुझे ये पार्ट इसका अच्छा नहीं लगा है। बैग के अंदर जो क्वालिटी यूज़ करी गई है क्लॉथ की वो अच्छी नहीं है, एवरेज है। तो इसको मैं 8 दूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ द थ्रेडिंग वर्क। मैं इसको 8 पॉइंट्स दे रही हूँ। इसका कलर अच्छा है, थ्रेड वर्क अच्छा है एंड इसका लुक काफ़ी अच्छा है। तो आप चाहो तो बाय कर सकते हो। मेरी तरफ से मीडियम है, ना ज़्यादा मैं इसको अच्छा बोलूँगी ना ज़्यादा बुरा बोलूँगी। आप इसको ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ये मैंने बाय किया था 250 रुपीज़ में। और अगर मैं किसी भी बैग की प्राइस बताना भूल जाऊँ तो स्क्रीन पे मैं ऊपर कहीं मेंशन कर दूँगी, तो आप देख लेना। नेक्स्ट जो बैग है वो है हमारा ये शोल्डर बैग। इसका फ्रंट लुक है एंड ये इसका बैक लुक है। तो इसमें आगे एक कंपार्टमेंट गिवन है, लेट मी ओपन दिस फॉर यू। तो आगे इसमें एक कंपार्टमेंट गिवन है, आगे इसके क्लॉथ की क्वालिटी की बात करूँ तो मीडियम है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है। आगे कुछ ये थ्रेड वर्क कर रखा है, तो ये थ्रेड वर्क काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कुछ ब्रांड का नेम है, जिमी चू। यहाँ पे ये चीज़ ऐसे अटैच कर रखी है, आप देख सकते हो। अंदर इसमें 2 कंपार्टमेंट्स गिवन हैं। चलिए मैं इसकी चेन ओपन करती हूँ। क्लॉथ की क्वालिटी की बात करूँ तो एवरेज है और अंदर और कोई कंपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ यही है। एंड दूसरे कंपार्टमेंट को ओपन करूँ मैं, अंदर ये बहुत सारा पॉलीथिन भर के दिया है। सो अंदर इस
इसमें भी सेम क्वालिटी है क्लॉथ की, अंदर कोई छोटी सी चेन अवेलेबल नहीं है इसमें भी, ठीक है आप देख सकते हो कोई भी चेन अवेलेबल नहीं है अंदर। लाइक छोटा सा एक और कोई कंपार्टमेंट दे देते हैं कॉइन वगैरह रखने के लिए, एक पीछे चेन गिवन है। सेम वही क्लॉथ का कपड़ा है, एवरेज है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है। इसका कलर बहुत सुंदर है, सो बिकॉज ऑफ इट्स कलर हमने ये बाय किया था। एंड इसका ये आगे का थ्रेड वर्क भी बहुत अट्रैक्टिव लगा हमें, आगे ये वाला कंपार्टमेंट गिवन है। सो टोटल इसमें 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें 4 कंपार्टमेंट्स गिवन हैं। आप इसको भी बाय कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, क्वालिटी एवरेज है एंड कलर इसका बहुत सुंदर है। आप बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। ये मैंने बाय किया था 499 रुपीज़ में, तो आप देख सकते हो। तो जो नेक्स्ट बैग है वो है हमारा ये, एक शोल्डर बैग है। इसका कलर प्रिंट बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है। एंड ये इसका फ्रंट लुक है, ये इसका बैक लुक है। तो इसमें भी 2 कंपार्टमेंट्स गिवन है। चलिए चेन ओपन करते हैं इसकी भी। तो अगर इसके अंदर के कपड़े की क्वालिटी की बात करूं तो एवरेज है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, मीडियम है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट अफोर्डेबल बैग्स हैं तो इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सेकंड कंपार्टमेंट की देखिए, आगे भी कोई कंपार्टमेंट छोटा सा गिवन नहीं है जिसमें आप कॉइन्स वगैरह रख सको, मनी वगैरह रख सको। तो अलग से कोई कंपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है इसमें, ना इधर की साइड गिवन है, ना इधर की साइड कोई कंपार्टमेंट गिवन है। तो चलिए इसकी नेक्स्ट चेन ओपन करते हैं। चलिए अच्छी बात यह है, पेपर्स भर के दिए हैं, पॉलिथिन नहीं भर के दी है। ओ तो इसमें एक अंदर कंपार्टमेंट गिवन है जिसमें आप अपने कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, इसमें है। पहले वाले शोल्डर बैग में अवेलेबल नहीं थी। अगर कपड़े की क्वालिटी की बात करूँ अंदर के, तो वही सेम एवरेज है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, तभी अफोर्डेबल है। एंड पीछे भी एक कंपार्टमेंट गिवन है। अगर मैं चेन की क्वालिटी की बात करूँ तो अच्छी है, लुक वाइज काफ़ी रॉयल लुक देता है ये। सो मुझे ये बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसे मैं रेट करूँगी 10 में से 9। अगर आप चाहो तो इसे बाय कर सकते हो। ये मैंने सेम 499 रुपीज़ में बाय किया था, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। कुछ आइटम्स इसमें से मे बी आउट ऑफ स्टॉक हो गए हों, तो मैं सिमिलर आइटम्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी विद लिंक, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। क्वालिटी अच्छी है, कलर अच्छा है, बट एक ही इसमें वो दिक्कत है, जो अंदर का जो मटेरियल है वो एवरेज है, ना ज़्यादा बुरा है ना ज़्यादा अच्छा है। सो आप इसको एक ट्राई दे सकते हो, मेरी तरफ से थम्स अप है इसके लिए।